Hello students, welcome to class 4. Today we are going to learn word problems on multiplication. Okay, let's start. Exercise 3E, question number 4. Application in real life. Okay, so first question is, each of Ramlal's mango tree gives about 125 mangoes. How many mangoes will an orchard with 58 such trees give? See students, orchard means what? Jahan pe मैंगोज के फिर अलग अलग फ्रूट के बहुत सारे ट्रीज होते हैं. ओके, तो यहाँ पे रामलाल का जो ऑर्चर्ड है वहाँ पे एक ट्री में 125 मैंगोज आते हैं. ठीक है, तो ऐसे 58 ट्रीज होंगे मैंगो के, तो टोटल कितने मैंगोज होंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है? यस, मल्टीप्लीकेशन. ओके, यू हैव टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन ईयर. ठीक है, 125 इंटू 58 करना है. नेक्स्ट बी, गोल्डन मैंगो कोऑपरेटिव फार्म्स हैज़ 437 रोज ऑफ मैंगो ट्रीज विथ 108 ट्रीज इन ईच रो. हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड इन द फार्म? सेम, अभी यहाँ पे देखो, एक गोल्डन मैंगो कोऑपरेटिव फार्म है जहाँ पे 437 मैंगो के रो है, मैंगो ट्रीज के रो है, और एक रो में, इन वन रो देयर आर 108 ट्रीज. ठीक है, तो टोटल कितने मैंगो ट्रीज उस फार्म में प्लांट किए हैं? ओके, तो यहाँ पे भी सेम 437 इंटू 108 करना है, तो आपको टोटल मैंगो ट्रीज कितने प्लांट किए हैं वो आंसर मिल जाएगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, 746 ट्रक्स ईच कैरिंग 750 केजी ऑफ मैंगोज कम इंटू द सिटी. हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज हैव कम इंटू द सिटी? अभी 746 ट्रक्स जो मैंगो से भर के आते हैं सिटी में, ठीक है, एक ट्रक में कितने केजी मैंगोज होते हैं? 750 केजी. ठीक है, तो टोटल कितने किलोग्राम्स मैंगो सिटी में आते हैं ये हमें पूछा है. तो सेम यहाँ पे 746 इंटू 750 करना है, मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो यू विल गेट आंसर. अ होलसेलर बाइज 65 क्रेट्स ऑफ मैंगोज एट रुपीज 285 पर क्रेट. ठीक है, एक होलसेलर है वो एक क्रेट 285 में परचेस करता है. ठीक है, हाउ मच मनी डज ही पे? तो उसको कितना मनी पे करना पड़ता है? ठीक है, ही सेल्स देम एट रुपीज 320 पर क्रेट. और जो वो लेता है 285 में, लेकिन वो बेचता कितने में है, सेल्स कितने में करता है? 320 में. तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. ओके, तो हाउ मच मनी डज ही रिसीव? तो उसको कितने मनी रिसीव होते हैं, मतलब उसको कितने मनी मिलते हैं? ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको कितना पे करना पड़ता है और कितना उसके पास मनी आता है, ये दोनों फाइंड करना है. तो दोनों आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है. तो कैसे करना है मैं आपको एक सॉल्व करके बताती हूँ. ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल फाइंड हाउ मच मनी डज ही पे. सो 285, दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन क्रेट. ओके, एंड 65 क्या है? नंबर ऑफ क्रेट्स. नाउ मल्टीप्लाई दिस. ओके, 5 5 जा 25 टू कैरी, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14. ओके, नाउ पुट 0 हियर. 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 1 5 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17. नाउ लेट्स ऐड दिस, 5 2 5 8 1. ओके, सो दिस इज द टोटल मनी होलसेलर पे. ओके, नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिसीव मनी. सो ही 320 इज द कॉस्ट ऑफ वन क्रेट. ओके, एंड 65 इज वॉट? सेम नंबर ऑफ क्रेट्स. मल्टीप्लीकेशन, 500, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16. यहाँ पे 0 आएगा. 6 0 0, 6 2 जा 12, 2 1 कैरी,
सिक्स थ्रीजा 18, 18 प्लस 1, यस 19। आप भी मेरे साथ मल्टीप्लीकेशन करो, 0, 0, 6 प्लस 2, 8, 9 प्लस 1, 10, 0, 1 कैरी एंड ये 2, सो 20,800। ये क्या है? टोटल मनी होलसेलर रिसीव। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अभी हमेशा मैं आपको बोलती हूँ आपको फाइनल आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योर फाइनल आंसर विल बी अ होलसेलर डज पे ₹18,525 एंड ही डज रिसीव ₹20,800। अंडरस्टूड? थैंक यू।